नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। एमपी लाइव की खबरों के साथ मैं हूं आकाश। और खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा प्रस्तुत रेल बजट का किया स्वागत। जनसंपर्क मंत्री अरविंद शुक्ल ने रेल बजट को आम आदमी सुविधा केंद्रित बजट बताया। 3EME सेंटर बैरागढ़ के कर्नल एस के यादव को आईटीआई का एफिलिएशन सर्टिफिकेट दिया। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा प्रस्तुत रेल बजट 2016-17 का स्वागत किया है। अपनी प्रतिक्रिया में मुख्यमंत्री ने कहा कि आम यात्रियों विशेषकर गरीबों के लिए रेल यात्रा को ज्यादा से ज्यादा आरामदायक बनाने वाला बजट है। ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और रचनात्मक सोच को परिलक्षित करता है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रेलवे का कायाकल्प करने के लिए जो प्रयास शुरू किए गए थे वे अब एक निश्चित पड़ाव पर पहुंच गए हैं। रेलवे अधोसंरचना को विस्तार देने के लिए निवेश की सभी संभावनाओं पर विचार किया गया है। मध्य प्रदेश को पहले ही सौगात मिल चुकी है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जल्द ही मॉडल स्टेशन बनेगा। रेलवे बजट का मैं स्वागत करता हूं। सही अर्थों में रेल को पटरी पर लाने का बजट है, रेल को आधुनिक बनाने का, आरामदायक बनाने का, आम आदमी के लिए बनाने का और सुविधाजनक बनाने का एक अभियान माननीय रेल मंत्री जी का है, जो प्रधानमंत्री जी के सोच को परिलक्षित करता है। यहाँ रेलवे के कायाकल्प करने की जो शुरुआत पिछले वर्षों की गई थी, अब ऐसा लगता है कि वो एक पड़ाव पर पहुंच गई है। जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा प्रस्तुत रेल बजट का स्वागत किया है। जनसंपर्क मंत्री ने रेल बजट को आम आदमी सुविधा केंद्रित बजट बताया। उन्होंने कहा कि रेल बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास विजन का पूरा ध्यान रखा गया है। इस बजट की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। जैसा आप स्वयं बता रहे हैं तो सारी जो आवश्यक प्रावधान रेल बजट में होना चाहिए था और लंबे समय तक लोगों को राहत मिल सके, इस बात को ध्यान में रख के ये बजट आया है। ये जनता का बजट है। महिला बाल विकास मंत्री माया सिंह ने रेलवे बजट में रेलवे स्टेशन और ट्रेन में नवजात शिशुओं को दूध पिलाने और बेबी फूड उपलब्ध करवाने का प्रावधान करने का स्वागत किया है। माया सिंह ने इसके लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु के प्रति आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि माया सिंह ने इस संबंध में रेल मंत्री को पत्र लिखकर ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर बनाने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि नया रेल बजट सुविधा, सुरक्षा और सफाई पर केंद्रित अब तक का सबसे अच्छा बजट है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री को बधाई दी है। और गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने कहा है कि रेल मंत्री द्वारा रेल बजट में सभी वर्ग के यात्रियों का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा, ट्रेनों को समय पर चलाने, पैसेंजर ट्रेनों को स्पीड बढ़ाने और वरिष्ठ नागरिकों का कोटा बढ़ाने, पत्रकारों को ई टिकट सुविधा, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को लोअर बर्थ जैसी सुविधाओं के ऐलान का वह स्वागत करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ईएमएस टीवी की बाकी खबरें आप हमारी वेबसाइट के साथ साथ हमारे एंड्रॉइड ऐप पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।